हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शेफ अशोक स्ट्रीट में। मैं हूँ शेफ अशोक। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा बटर कॉर्न फ्राइड राइस बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी। वेजिटेबल फ्राइड राइस तो बहुत बार ट्राई किया हमने, चलिए एक बार हम बटर कॉर्न फ्राइड राइस ट्राई करते हैं। उससे भी काफ़ी अच्छा लगेगा ये और बहुत ही स्वादिष्ट लगता भी है। ये रेसिपी अगर अच्छी लगती है आपको तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी आपको यहाँ मिलती रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम बटर कॉर्न फ्राइड राइस बनाना। बटर कॉर्न फ्राइड राइस बनाने के लिए सबसे पहले हमें राइस की आवश्यकता रहेगी, तो मैंने यहाँ पर एक सूप बोल भर के बासमती राइस लिए हैं। गाइस, राइस हमारे यहाँ पर देख सकते हैं आप, सारे अभी छोटे छोटे हैं, लेकिन जब हम इन्हें बॉईल करेंगे तो इनकी लेंथ काफ़ी अच्छी बढ़ जाएगी। सबसे पहले राइस को हमें अच्छे से वॉश करना है, तो एक बाउल के अंदर डाल देते हैं और करीब 2 से 3 पानी के अंदर हम इन्हें रगड़ कर अच्छे से वॉश करेंगे। कई बार इनको लॉन्ग टाइम तक चलाने के लिए हो सकता है इनके अंदर कुछ केमिकल्स वगैरह मिलाए रहते हैं, तो जब तक इनका पानी इस तरह वाइट होता रहेगा ना, तब तक मैं इसे 2 या 3 पानी के अंदर वॉश करता रहूँगा। इस तरह रगड़ के वॉश करेंगे तो राइस एकदम क्लीन हो जाएंगे और जो भी गंदा पानी रहेगा इसे हम हटा देंगे। उसके बाद इसके अंदर फ्रेश पानी और डाल देंगे। बस इस तरह 2 बार मैंने राइस को 3 बार अच्छे से वॉश किया तो राइस हमारा बढ़िया सा वॉश हो गया और पानी एकदम क्लीन हो गया। उसके बाद 15 से 20 मिनट तक राइस को भिजो के रख देंगे। राइस को जब आप भिजो के रखेंगे और उसके बाद जब 15 से 20 मिनट बाद आप देखेंगे राइस आपके अंदर से एकदम वाइट हो जाएंगे, तब आपको बॉइलिंग वाटर के अंदर राइस को ऐड करना है। लेकिन उसका पानी निकालने के बाद बॉइलिंग वाटर के अंदर करीब मीडियम एंड लो फ्लेम के ऊपर हम इसे करीब 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। तब तक राइस हमारा अच्छे से कुक भी हो जाएंगे और इनकी लेंथ भी काफ़ी अच्छी बढ़ जाएगी। अगर आप घर वाले गैस के ऊपर बॉईल कर रहे हैं तो आप फुल फ्लेम के ऊपर बॉईल कर सकते हैं। यहाँ पर होटल्स वाले गैस की फ्लेम थोड़ी तेज़ रहती है, तो इसीलिए हमें मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर बॉईल करना रहता है। बीच बीच में हम इसे हिलाते रहेंगे, एक बार चेक कर लेते हैं राइस हमारे, क्योंकि लेंथ बढ़ चुकी है, लेकिन राइस को हमें 90% तक ही बॉईल करना है, 100% तक बॉईल नहीं करना है। चलिए 70% तक मुझे लग रहा है बॉईल हो गया। करीब 1 मिनट और रखने के बाद हम देखते हैं राइस की लेंथ काफ़ी अच्छी बढ़ चुकी है और राइस भी हमारे काफ़ी अच्छे बॉईल हो चुके हैं। ये देखिए आराम से टूट भी रहे हैं और राइस 90% तक हमारे कुक हो गए। उसके बाद राइस को मैं स्टैंड कर लूँगा और एक बर्तन के अंदर इसे थोड़ी देर रख लेंगे। करीब 5 मिनट बाद एक बार हम इसे हिला लेंगे ताकि राइस हमारे ओवर कुक ना हो गए। चलिए अब हम बनाते हैं बटर कॉर्न फ्राइड राइस। इसके लिए एक चाइनीज़ वॉक गैस के ऊपर चढ़ा लेंगे और इसके अंदर आधी करछी भर के ऑयल ऐड कर लेंगे। इतना ऑयल हम बटर कॉर्न फ्राइड राइस में डालेंगे नहीं, ओनली इस चाइनीज़ वॉक को नॉन स्टिक कर रहे हैं। फुल फ्लेम के ऊपर हम इसे करीब 30 सेकेंड तक इस तरह घुमाएंगे ताकि हमारी चाइनीज़ वॉक नॉन स्टिक हो जाएगी और राइस के अंदर चिपकेंगे नहीं। चलिए उसके बाद मैंने इसके अंदर आधा चम्मच भर के बटर डालना है, लेकिन हल्का सा ऑयल हमें इसके अंदर रखना है। उसके बाद जल्दी से इसमें गार्लिक ऐड कर लेंगे ताकि बटर हमारा जले नहीं, और जिंजर भी ऐड कर लेंगे आधा छोटा चम्मच। एक छोटा चम्मच गार्लिक डाला मैंने, आधा छोटा चम्मच जिंजर ऐड किया है। बस इसे हल्का सा हिला लेंगे ताकि गार्लिक और जिंजर भी हमारे पक जाएंगे और बटर भी हमारा जलेगा नहीं। उसके बाद मैंने इसके अंदर 2 चम्मच भर के ऑनियन ऐड किया है। एक छोटा ऑनियन मीडियम साइज़ का चॉप करके डाल सकते हैं और एक ग्रीन चिली फाइन चॉप करके मैंने इसमें डाल दिया, 1 चम्मच कह सकते हैं आप। बस इनको हम वर्बली पकाएंगे। गाइस, यहाँ पर हमें याद रखना है कि ऑनियन को पूरा नहीं पकाएंगे, हल्का सा पकाएंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। बस जैसे ही ऑनियन और हमारे गार्लिक सौते होते हैं तो गैस की फ्लेम को बंद कर लेते हैं और इसके अंदर ऐड कर लेते हैं बेल पेपर, रेड येलो ग्रीन कैप्सिकम, और साथ में मैं इसके अंदर कॉर्न ऐड कर लूँगा। यहाँ पर थोड़े से कॉर्न लिए मैंने, फ्रोजन वाले कॉर्न लिए, लेकिन फ्रोजन वाले कॉर्न को एक बार आप पानी के अंदर बॉइल पानी में निकाल लोगे तो इसका स्वाद काफ़ी अच्छा आएगा और इसके अंदर जो मिठास आएगी ना बहुत ही अच्छी लगती है। वो हल्का सा पहले हम इन सबको साथ में सौते कर लेंगे, उसके बाद आपने इसमें राइस ऐड करना है। यहाँ पर एक पोर्शन में बना रहा हूँ तो एक पोर्शन राइस इसमें डाल देते हैं। बस उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगा थोड़ा सा सॉल्ट, स्वाद अनुसार हम नमक डाल देंगे, ब्लैक पेपर पाउडर 1/4 छोटा चम्मच, और 1/2 छोटा चम्मच मैं इसके अंदर एरोमेट पाउडर डाल दूँगा। सोया सॉस मात्र 2 से 3 ड्रॉप डालेंगे, हार्ड वाला सोया सॉस लिया मैंने, डार्क वाला। साथ में यहाँ पर थोड़ा सा रेड चिली सॉस, हल्का सा ग्रीन चिली सॉस डाल देंगे। रेड चिली सॉस 2 चम्मच जितना बहुत हो जाएगा। आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम बटर ऐड करेंगे और ऊपर से स्प्रिंग ऑनियन डाल देंगे। बस इसके बाद गैस की फ्लेम को वापस चालू करेंगे और इसको हम सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
गैस यहाँ पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि इसके अंदर करछी बिल्कुल नहीं लगानी है। बॉइल्ड राइस है, अगर आप करछी लगा कर इसे करते हैं तो आपके राइस सारे टूट सकते हैं। बहुत ज़्यादा देर तक हमें इन्हें नहीं पकाना है, राइस हमारे ऑलरेडी कुक है तो बस हल्का सा हम इसे पकाएंगे, मात्र 30 सेकंड से 40 सेकंड तक। उससे हमारे राइस अच्छे से मिल जाएंगे, सारे मसाले राइस के अंदर बढ़िया से मिल जाएंगे। बस वर्बली हम इसे मिक्स करेंगे। देख सकते हैं आप, बटर अभी हमारा मेल्ट नहीं हुआ, तो चलिए बटर को अच्छे से इसमें मेल्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम इसके अंदर स्प्रिंग ऑनियन ऐड करेंगे और इसे सर्व कर लेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है गाइस, अभी तक अगर आपने ट्राई नहीं किया तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। से अगर आप बटर कॉर्न फ्राइड राइस बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। रेसिपी अच्छी लगी हो आपको तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब